उज्जैन में सिविल अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज लिफ्ट में फंस गए, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कलेक्टर आशीष सिंह ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उज्जैन संभाग के सबसे बड़े और पुराने सरकारी अस्पतालों में शामिल उज्जैन का जिला चिकित्सालय आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर जिला अस्पताल में घोर लापरवाही देखने को मिली। दरअसल अस्पताल की एक लिफ्ट में दो मरीज और उनके परिजन दूसरी मंजिल से भूतल की ओर जा रहे थे। लिफ्ट अचानक रुक गई और बीच में फंस गए। लिफ्ट में फंसे मरीज और उनके परिजनों ने आवाज लगाकर आम लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद चिकित्सालय के कर्मचारियों ने पहुंचकर मदद शुरू की। करीब 15 मिनट से अधिक समय तक मरीज और परिजन लिफ्ट में फंसे रहे। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने मिलकर लिफ्ट के दरवाजे को खोला और मरीज और परिजनों को बाहर निकाला। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, पूरा मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, जिसकी हम जांच करवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये मामला भी मेरे संज्ञान में आया है, इसकी पूरी तरीके से हम लोग जांच कराएंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, और किस तरीके से ऐसा हुआ, इसके लिए कौन से जिम्मेदार थे, उनके ऊपर कार्रवाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।